हेलो फूडीज, वेलकम टू केबीजी वीडियोस। कैसे हैं आप सब? मैं वंदना। आज जो हम सॉस की रेसिपी लेकर आए हैं वो पिज़्ज़ा में भी यूज़ होता है, वो पास्ता में भी यूज़ होता है। बहुत झटपट बनता है और बहुत कम चीज़ें लगती हैं इसको बनाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे अराउंड 10 टमेटोस लिए हैं। इनको हाफ कट कर लीजिए और इनकी जो ये आईज होती हैं, आईज या कुछ भी आप जो भी बोलते हैं, इनको प्रॉपर रिमूव कीजिए। वन बाय वन इसी तरीके से सारे टमेटोस कट करते जाइए। तो टमेटोस कट करने के बाद अब हम एक पैन लेंगे, जिस पैन में हम लो मीडियम फ्लेम में अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये अराउंड 20 गार्लिक्स हैं, इनको जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आप डाल दीजिए। इनको कुछ सेकंड्स तक सेकना है, फिर उसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे। ये अराउंड एक छोटा अनियन है, छोटा सा प्याज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम फाइन इसको काट दिया है। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च है, अराउंड 1 टेबल स्पून है, सिर्फ कलर के लिए डाला है हमने, कलर थोड़ा सॉस का अच्छा आएगा, रेड रेड। इसको प्रॉपर कुक कर लीजिए, अराउंड 1 मिनट तक कुक कर लीजिए। कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून बेसिल हर्ब डालेंगे, आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिलेगा। और ये ऑरेगानो है, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये क्वांटिटी परफेक्ट है। और अब हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, ये हाफ टेबल स्पून है, आप अपने टेस्ट से ले लीजिएगा। प्रॉपर इनको अच्छे से सौते कीजिए, अराउंड 1 मिनट तक सबको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा। ये जैसे ही हर्ब्स जाते हैं बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। अब वन बाय वन 1 मिनट के बाद सारे टमेटोस को इस तरीके से आप रखते जाइए। सो इस तरीके से सारे टमेटो रख दिए हैं, लिड कवर करके आप इसको पकाइए। थोड़े सेकंड के बाद आप इनको टर्न अपसाइड डाउन कर दीजिए इस तरीके से, देखिए। एंड मेक श्योर जो फ्लेम है वो इस तरीके से सेट कीजिएगा कि ये सब कुछ चले ना। सो हम ये इस तरीके से टर्न अपसाइड डाउन करेंगे ताकि साइड बाय साइड, अपसाइड डाउन साइड, सब जगह ये प्रॉपर सिक जाए। ये अराउंड हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट से ले लीजिएगा। इससे ये टमाटोज जल्दी भी कुक होंगे और इनमें प्रॉपर सॉल्ट अंदर तक जाएगा। अब इनको तब तक पकाते रहिए जब तक ये मूशी ना हो जाए, और इस तरीके से बीच में आप पलटते जाइएगा। सो गाइस, देखिए इस तरीके से सारे टमाटर जो हैं वो पूरे पक चुके हैं, इस तरीके से कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अब हम अराउंड 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर हमने इसलिए ऐड किया ताकि वो सारे स्पाइसेस सबको बैलेंस आउट करेगा टेस्ट को। इसको प्रॉपर कुक कीजिए इस तरीके से स्पैचुला से। एंड अब हम इसमें टमाटो केचप डाल रहे हैं, 2 से 3 टेबल स्पून, ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा लगेगा, कलर भी इन्हेंस होगा और जो सॉस की कंसिस्टेंसी होगी वो प्यूरे की वजह से, केचप के प्यूरे की वजह से और अच्छी बनेगी। 1 मोर मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि जो भी पानी बचा है वो सब एवोपरेट हो जाए। एंड अब हो चुका है, एंड फ्लेम ऑफ कर दीजिए एंड ठंडा होने तक का वेट कीजिए। ठंडा हो जाएगा तो हम उसको जार में, मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सो गाइस, ये 2-in-1 सॉस रेडी है, पिज्जा पास्ता सॉस रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे,
1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल से एक रिचनेस आएगी, टेस्ट एनहेंस होगा और इसमें थोड़ा ग्रीजीनेस भी आएगा। प्रॉपर मिक्स कर लीजिए एंड ये रहा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रेडी। अब हम इसको एक जार में इस तरीके से रख लेंगे, जो भी जार ले वैक्यूम टाइट ले, तो इसको आप 30 डेज तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी बनाए पिज़्ज़ा बनाए पास्ता बनाए कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंजॉय।